लिखा, क्योंकि कल्चर के अंदर हमारे ये बहुत ज्यादा इंस्टिल्ड है। आइडिया है मेरे पास, लेकिन अब आगे क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट, ये भी बहुत सुनने को मिलता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। ये मैंने आपसे ऐसे कुछ सवाल इधर डाले हैं जो कि मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन आप इसमें आई एम श्योर एक लिस्ट अपनी ऐड भी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आप सुनते हैं कि यार आइडिया नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्यों करूँ बिजनेस, पहली तारीख को जी तनख्वाह आ जाती है सुकून से, तो क्यों। तो भाई अगर आप सेंसिबल हैं, अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं इकोनॉमिक, तो आपकी मल्टीपल इनकम्स होना बहुत शदीद जरूरी हो चुका है आजकल के दौर में। और अगर आप इस पे नहीं काम करें तो आप खुद जिम्मेदार हैं। नो बडी विल कम एंड हेल्प यू, कोई आपको आके गोल्डन स्पून नहीं देगा, कोई आपकी इनकम नहीं बढ़ाएगा खुद। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका जहन है, आप कितने स्मार्ट हैं ये आपके ऊपर है। मैं सबको ये कहता हूँ कि आपकी इनकम स्ट्रीम्स कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट मीन्स के वन बैड डे एंड यू आर विदाउट एन इनकम। अगर आपकी वो इनकम छूट गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक पास कुछ भी नहीं है, डिपेंडेंट हो गया आप। तो कोई भी अकलमंद होगा तो वो कोई ना कोई चीज इस तरह की कर रहा होगा कि जिससे उसकी थोड़ी सी एक फिक्स्ड अमाउंट ना हो, बट इतनी इनकम आ रही हो कि वो एक जॉब पे या एक इनकम सोर्स पे या एक किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो। तो पर्पज ऑफ दिस सेशन इज कि जितने भी सवाल आज आपने ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं ना, मुझे जो है ना वो उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा कि स्टार्ट किस तरह करना है इसको। तो दिस इज हाउ आई फील, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या आइडिया होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडिया, कैसी, क्या हम ट्रेंड्स फॉलो करें, क्या हम वो देखें कि हमारे दोस्त का कौन सा बिजनेस चल गया, शुड बी फॉलो कल्चर, शुड बी फॉलो ट्रेडिशन। जैसे अगर आप बात करें पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात करें, तो जनरली आप नोट करेंगे, बल्कि दुनिया में ऐसा होता है कि जनरली आप नोट करेंगे कोई नई चीज आती है, सारी दुनिया जो है ना वो बिल्कुल दुम लटकाती हुई उस चीज के पीछे चली जाती है, और 6 महीने बाद वो इतनी ज्यादा भर चुकी होती है कि फिर नए लोग नहीं आ सकते। ये कल्चर की एक चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कराची में रहने वाले अगर लोग, यहाँ ज्यादा ही हैं जाहिर, तो आज से 15 साल पहले यहाँ कराची में एक ट्रेंड आया था चाय का, चाय के होटल्स का ट्रेंड आया था, चाय वालों का ट्रेंड आया था। तो जी मैं खुद यूनिवर्सिटी में था, और मैं मुझ समेत बहुत सारे जो है ना वो अब्बा से पैसे ले रहे हैं, इधर से पैसे ले रहे हैं, दोस्त पैसे जमा कर रहे हैं, चाय का होटल खोल लिया। फिर एक हुक्का, हुक्का एक शीशा कहते थे उसको, वो ट्रेंड आया था, तो जी हर गली में एक शीशा बार खुल गया। अब ये सारी चीजें जाहिर है अब थी प्रॉफिटेबल नहीं है, अब सबने खोल ली। अगेन अगर टेक की बात करें तो फ्रीलांसर्स, अब अपवर्क है, फाइवर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हर बंदा जो है वो उस पर अब काम नहीं मिलता, अब पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हम लोग बैंड वैगन जो है ना जो होती है उसमें हम जाहिर है एज ह्यूमंस घुस जाते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, सब कर रहे हैं। फिर एक ड्रॉप शिपिंग का दौर आया था कुछ साल पहले, जो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा है, प्लेटफॉर्म से बहुत सारे एड्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ड्रॉप शिपिंग हो रही है। जिनको आइडिया है ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे दराज पे बहुत सारे लोग अब काम कर रहे हैं, वो दराज भी बहुत ज्यादा पैक हो चुका है, और एज पर माई नॉलेज जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं दराज में, अब वो मार्जिन भी नहीं, क्योंकि एक टाइम होता है ना हर चीज का, उसके बाद फिर आप यू हैव टू इनोवेट, आपको कुछ और करना है। सो यू हैव टू कीप लर्निंग, आजकल के दौर में यू हैव टू कीप चेंजिंग, इवॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड देन ग्रोइंग। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि हाउ टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। अच्छा कुछ सवाल होंगे, कुछ होंगे तो वो मैं बिल्कुल एंड में ही लूंगा, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही हमें रैप करना है। मेरे पास तो बहुत चीजें डिस्कस करनी की है, बट मुझे बड़ी मुश्किल से डिसाइड मैंने किया कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे एक डायग्राम अभी शेयर कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ना, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा समझाऊं कि ये क्या है। ये डायग्राम बेसिकली एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम होता है जिसमें इंटरसेक्ट हो रही होती हैं चीजें, दो चीजें हो सकती हैं जो जिसमें कॉमनैलिटी इंटरसेक्ट हो रही होती है, कि कॉमन क्या है। तो एक बिजनेस आइडिया के अंदर ये पांच चीजें मेरे हिसाब से, ये कोई बुक नहीं है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव। इसमें पांच चीजें होती हैं जिससे बिजनेस आइडिया बन सकता है। एक आपकी हॉबी होती है, दूसरा आपका इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, मार्केट एनालिसिस, मार्केट गैप भी हो सकता है, आपके स्किल भी हो सकता है, और आपकी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, कि भाई आपके पास फलां चीज के लिए टूल्स पड़े हुए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी दफा ये पांचों चीजें में से दो हो सकती हैं, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी हॉबी एक है और मेरा स्किल भी वही है, तो चलो मैं वो बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जी मेरा स्किल ये है और आजकल ट्रेंड भी ये कर रहा है तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग भी इतना बड़ा एक
क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म बन चुका है कि लोग समझते हैं शायद डिजिटल मार्केटिंग अभी तक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना है। तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अभी तक नहीं समझ पाए। जैसे मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि एक मुझे यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में सॉरी, एक मुझे मिले, सीनियर थे, टीचर थे वो, एंड ही वॉज टीचिंग, मैं ज़ाहिर नाम नहीं लूंगा, शायद जानते भी हूँ लोग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाते हैं। तो वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि कहाँ से शुरू करें, उनका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जिक्र किया कि जी डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत आसान सी चीज़ है, आपने सिर्फ कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है और वो हम बना लेंगे और डाल देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ, मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पाया डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन खैर उनको मैंने समझाया है कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज अ मैसिव फील्ड नाउ। सोशल मीडिया की पोस्ट बना के डालना तो 5% भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, वो तो कोई भी कर लेता है। अब कैनवा आपने सुना होगा नाम, कैनवा के ऊपर दुनिया जो है वो अब फ्री में काम कर रही है, पेड वर्जन भी है बट फ्री भी इतना यूजफुल है। मैं खुद फ्री यूज करता हूँ कैनवा, मैंने आज तक पेड नहीं लिया, मैं सारे काम कर रहा होता हूँ। शब्बीर इसके कमाए, लास्ट वीक भी एक मेन्यू बनाना था, मैंने आधे घंटे में कैनवा से बना के उनको दे दिया। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस आइडिया कैसे, हम किस तरह, हाउ डू यू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। डिजिटल मार्केटिंग अगर बात करें कितनी बड़ी फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन एक करियर है, वीडियो एडिटिंग भी एक करियर बन चुका है, सोशल मीडिया भी करियर बनता जा रहा है, बन गया है बल्कि, लोग अब सोशल मीडिया की, मेरी अपनी एजेंसी में सोशल मीडिया की रिसोर्सेज हैं, जो सैलरीड है, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, हायर्ड है। SEO एक चीज बन गई है, वेब डेवलपमेंट एक चीज बन गई है, कंटेंट इतनी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से मार्केटिंग के अंदर, जो दुनिया के टॉप मार्केटियर्स हैं चीफ लेवल के, दी ओनली थिंग दे आर वेरी गुड एट इज कॉन्टेंट, इज कॉपी। अगर आप एज ए मार्केटियर अच्छी कॉन्टेंट लिख सकते हैं, अगर आप, क्योंकि देखें दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, दुनिया में जितनी चीजें हो रही हैं, सब कुछ कंटेंट से ही हो रहा है। ठीक है, आपको सोशल मीडिया भी कुछ करना है, कोई काम भी करना है कंटेंट, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, यू हैव टू बी गुड विद कंटेंट। यस AI आ चुका है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, AI आप, मैं तो एटलीस्ट क्योंकि AI का यूजर रहा हूँ, इतने अच्छे से यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट में बता पाऊंगा और ये पॉसिबल है और लोग बता भी सकते हैं कि AI कंटेंट कौन सी और खुद की जनरेट की भी कंटेंट कौन सी। और अभी भी अगर आप एल्गोरिदम स्टडी करें, नील पटेल एक SEO के गुरु हैं, उनकी एक वेबसाइट भी है, मतलब आप अगर इन चीजों में हैं तो वो भी आपको ये बताएंगे कि जी AI की जनरेटेड कंटेंट जो है ना, उसको गूगल पुश भी नहीं करता रैंकिंग्स में, सर्च में। आपको यू हैव टू बी गुड एट कंटेंट राइटिंग, यू हैव टू बी गुड विथ राइटिंग एंड विथ रीड, ऑब्वियसली रीडिंग अच्छी होगी, राइटिंग, ये चीजें यू हैव टू बी गुड विद दिस इफ यू वॉन्ट टू बिकम, इफ यू वॉन्ट टू मार्केट योर बिजनेस बेटर। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप याद रखिए ये बात, कि अगर आप दुनिया के, आप लोगों के पास आइडियाज हैं लेकिन वो बता नहीं पाते वो आइडियाज। मैं अभी भी इतने सारे फाउंडर्स से मिलता हूँ और उनको मैं अगर बोलता हूँ ना 15 सेकंड में या 30 सेकंड में, बताओ आप करते क्या हो, वो आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं, वो 30 सेकंड में नहीं बता पाते या 20 सेकंड में कि मेरा बिजनेस क्या है। और जो आदमी 20 सेकंड में मुझे नहीं बता पाया या किसी को भी नहीं बता पा रहा उसका बिजनेस क्या है, उसको क्या क्लैरिटी होगी अपने बिजनेस की। तो ये जो है ना, अगेन इट्स ऑल डाउन टू कम्युनिकेशन, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एबल टू डेवलप कंटेंट, इसके कोई इसके आसपास भी नहीं आता है इसकी इसकी इम्पोर्टेंस के। आज ये चीज जहन में रखिए कि बिजनेस अगर अच्छा करना है ना तो कम्युनिकेशन की है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि शायद इससे इम्पोर्टेंट मैं किसी और चीज को समझता ही नहीं, मेरे एक्सपीरियंस। और अभी भी जैसे मैं, मेरी जो मार्केटिंग एजेंसी मेरी हैच है, उसके अंदर हम इंटर्न्स भी रख रहे होते हैं, बहुत सारे मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रखता हूँ। मेरी हमेशा आदत, कोशिश होती है कि यूथ को इन्वॉल्व रखूँ, बिकॉज टैलेंटेड भी होते हैं लोग, एंड आई वांट देम टू लर्न आल्सो, क्योंकि ये मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है एज अ पाकिस्तानी, इस मुल्क ने मुझे बड़ा किया है, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं अल्लाह ने सब कुछ दिया, तो ये जिम्मेदारी भी है कि यू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट। तो मैं हमेशा इन्वॉल्व रखता हूँ, बट मैं एक चीज हमेशा नोट करता हूँ कि लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे कोई काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भाई कम्युनिकेशन पे काम? आधी बात आपको समझ आती नहीं है, क्लाइंट का टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये चीजें बता रहा हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बिजनेस आप कर सोच तो रहे हैं लेकिन आपकी खुद की कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सोच भी नहीं सकते, एज ए लीडर, एज समबडी हु विल ओन द बिजनेस, रन द बिजनेस। और कम्युनिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप दास्तान सुना दें पूरी, इसका ये मतलब नहीं होता कम्युनिकेशन का। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट से ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता, बिकॉज कॉल, उसके लिए कॉल अल्लाह मियाँ ने बनाई भी है। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, अब लोग व्हाट्सएप, एक जनरल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
और मैं क्यों जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए मेरी बातों से, मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ। ऐसी पीपल सेंडिंग 6 मिनट लॉन्ग व्हाट्सएप मैसेजेस, भाई कॉल कर लो, आप 6 मिनट के मैसेज में क्या बोलोगे, क्या बता रहे हो, उसमें पॉजेज हैं, दुनिया की चीजें हैं। तो अ मैसेज इज अ मैसेज, द मीनिंग ऑफ अ मैसेज इज, उर्दू में मैसेज का क्या मतलब है, मैसेज क्या होता है, एक मैसेज देना ना, आपको कुछ बताना है, हमने गपशप थोड़ी लगानी है। सो अगेन कम्युनिकेशन का मतलब क्रिस्प कंसाइज टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। ये नहीं कि आपने जी वो, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो मैसेज मुझे 3 मिनट 4 मिनट होता है, मैं वो शाम रात में सुनता हूँ, चाहे वो जितने भी इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज इट्स नॉट फेयर टू एनी एवरीवन एनीवन कि आप इतने लंबे मैसेज भेज रहे हैं। खैर, तो पॉइंट सारा ये है कि बिजनेस आइडिया में हम डिस्कस तो कर रहे हैं क्या चीजें, लेकिन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को एम्फोसाइज मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता कि जितने भी कामयाब फाउंडर्स हैं, न्यू वेंचर डेवलपर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो सब कम्युनिकेशन के जीते हैं, और जो नहीं है ना वो कामयाब भी नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, उनके स्टार्टअप सालों से लटक रहे हैं, इधर उधर हैं, उनके वेंचर्स कभी चलते हैं कभी, क्यों, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया। आप सबको सबसे पहले तो अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और अगर आपको आगे लीडर भी बनना है, इंशाल्लाह आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई सेटअप कभी ना कभी इंशाल्लाह कोई स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव टू बी एन इफेक्टिव लीडर फॉर इट टू बी सक्सेसफुल। फॉर दैट योर कम्युनिकेशन विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर टेक्निकल स्किल्स, एवरीथिंग। तो प्लीज बिजनेस आइडिया के लिए, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरह कम्युनिकेशन बुनियाद है इस चीज की, ये प्लीज अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट वेयर हाउ टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। अब मैंने आपको ये पांच चीजें अपनी लर्निंग के हिसाब से जो है वो दे दी, मैं डिस्कस करूंगा ईच ऑफ द फाइव थिंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी डिस्कसिंग ईच फैक्टर। तो सबसे पहले आपकी हॉबी, हॉबी हम सबको पता है क्या होती है, सबकी कोई ना कोई हॉबी है, ठीक है? कोई पेंटिंग इंजॉय करता है, कोई डिजाइन इंजॉय करता है, कोई क्रिकेट इंजॉय करता है, कोई रीडिंग इंजॉय करता है, कोई लिसनिंग, आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी हॉबीज हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी रीडिंग बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं क्रिकेट का शौकीन रह चुका हूँ, मतलब सबकी अपनी हॉबीज है ना। आई लाइक टू लिसन टू 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 नॉलेजेबल पीपल, टू लर्न फ्रॉम देम, फिर मतलब ये सबकी हॉबीज होती है कुछ ना कुछ। फिर मार्केटिंग मुझे, मेरा पैशन भी है, तो अब ऑब्वियसली वो मैं एंजॉय करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना दी, ठीक है? तो इसी तरह आपकी भी कोई हॉबी हो सकती है। और मुझे देखिए, मार्केटिंग एजेंसी, अभी भी मैं, मुझे ये फील होता था कि मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत हैं, जाहिर है सब बना, अब तो घरों में बना लेते हैं लोग अपनी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केटिंग एजेंसीज सर्विसेज क्या दे रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह अपने कस्टमर्स को ट्रीट करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी लर्निंग ओवर द लास्ट 10 ईयर्स ये थी कि अगर मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत हैं, तो जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है? आप किस तरह से बेहतर कर रहे हैं चीजों को। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर मैं उनको टेलर्ड सोल्यूशन दे रहा हूँ, अगर उनको टाइम दे रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ क्लाइंट्स की, तो मैं बहुतों से बेहतर हूँ, बिकॉज मेजोरिटी एजेंसीज को सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए, बिकॉज उनको रेवेन्यू चाहिए। सो आई रियलाइज कि मेरी हॉबी जो है, जो मार्केटिंग का मैं शौकीन हूँ, जो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अभी भी हर वक्त ही करूंगा, आई थिंक मरते दम तक ही आप सीख रहे होते हैं, तो वो मैंने हॉबी को किस तरह कन्वर्ट किया, अपने स्किल्स नॉलेज और हॉबीज को क्रिएट एक बिजनेस में किया। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक आपकी हॉबी हो गई। दूसरा आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, अगेन सिमिलर है दोनों बट थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मेरी हॉबी ना हो, लेट से मैं एआई में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एआई मेरी हॉबी तो नहीं है, बट हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो एरियाज दैट कैप्टिवेट योर क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेट यू टू लर्न मोर, जैसे एआई में, एआई हॉबी नहीं है बट आई मीन आई वॉन्ट टू नो मोर, बिकॉज मुझे फ्यूचरिस्टिक रहना है, मुझे आगे ग्रो करना है जिंदगी में, मुझे सीखना है, मुझे अपने शेल में नहीं रहना, तो इसलिए मैं टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में फोकस करूंगा। बिल्डिंग अ बिजनेस अराउंड योर इंटरेस्ट कीप्स यू एंगेज एंड मोटिवेटेड, ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट रहता है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। मार्केट गैप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट गैप क्या होता है कि आप रियलाइज करते हैं, मैंने लास्ट हमारी जो वर्कशॉप हुई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो लोग यहाँ हैं उसमें एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि मार्केट गैप होता क्या है। मार्केट गैप ये होता है कि जब आपके पास कोई सोल्यूशन हो और मार्केट में उसका एक गैप मौजूद हो जिसको आप फिल कर सकें, यानी उसकी डिमांड थी और आपने उसको क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप एक इलाके में रहते हैं, लेट से आप रहते हैं या पीसीएचएस में, ठीक है, आप ब्लॉक 2 में रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपके इलाके में आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत सारे घर हैं, लेकिन मसला ये है कि ये 300 घर हैं लेकिन
कोई आसपास कोई रिटेल स्टोर ही नहीं है। अब लोगों को जाना पड़ता है जी PCHS ब्लॉक 5 में फॉर एग्जाम्पल सामान लेने। तो आप एज ए स्मार्ट इंडिविजुअल आप ये सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे अगर एक दुकान खोल लूँ तो मुझे तो पता है कि मेरी सेल होगी बिकॉज लोग तो आएंगे। अब जनरल आइटम्स तो जरूरत है ना सबके घरों में, आटा चीनी चावल साबुन तो चलता है, आना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। इस जितनी भी महंगाई हो जाए आदमी ने ये चीजें तो नहीं छोड़ सकता आदमी। तो स्मार्ट आदमी क्या करेगा, मार्केट गैप को कहेगा, कहेगा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी हॉबी भी नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा गैप है मार्केट में तो लेट मी यूटिलाइज इट। दैट इज हाउ यू यूटिलाइज अ मार्केट गैप। और अगर आप बहुत लकी हैं तो आपकी हॉबी से भी कोलाइड कर जाएगा वो जो मैंने पहले कहा कि आपके इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल आपको रिटेल का शौक है कि भाई मुझे रिटेलर बनना है, मुझे रिटेल में, तो भाई वो मार्केट गैप भी हो गई, हॉबी भी हो गई, यू आर मोस्ट लाइकली टू डू वेरी वेरी वेल जब आप खोलेंगे। कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेट से आप कहते हैं कि मेरे एरिया में जो है वाटर सप्लायर नहीं है, लेट्स से हमें पानी खरीदना पड़ता है पीने का, हम सभी जाहिर है मेजोरिटी आई थिंक, क्योंकि साफ पानी तो दस्तियाब है ही नहीं हमें, तो हम मेजोरिटी आई थिंक आप जितने लोग हैं यहाँ दे बाय वाटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन दैट केस क्या फिर हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम ऐसा करें कि हम उस मार्केट को कैटर कर सकें। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ना। तो अब आप सोचने लगते हैं कि जी मैं फिर एक जो है ना वाटर सप्लाई का काम शुरू करता हूँ और जो है उसमें मुझे फायदा होगा या उसमें मैं आई बी एबल टू मेक मनी, राइट। सो दिस इज हाउ यू असेस कि मार्केट के अंदर क्या गैप्स हैं और आपको किस तरह से उसको इंश्योर करना है कि आप उन गैप्स के को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करें एंड यू मेक मनी विद द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट अप योर स्किल्स ऑब्वियसली। अब जरूरी नहीं है कि अब ग्राफिक डिजाइनर है फॉर एग्जाम्पल, वो अच्छा काम करता है, उसके पास स्किल है, वो अपनी अपनी कंपनी बना सकता है या वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, पैसे कमा सकता है उससे, तो ये जाहिर है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए जाहिर है स्किल होना भी जरूरी है। अब ये मैं अक्सर आपको बताऊं एक चीज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं ख्याल परसों की बात है कि एक मैं पहले कॉलेज था वहां पे मैं इन्वॉल्व था, काफी काम कराता था, तो एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया कि मैं आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसकी प्रोफाइल वगैरह देखी, वो बहुत टैलेंटेड थी उस वक्त भी, ठीक है, और उसने बैचलर्स किया हुआ है, और वो मुझे कह रही है कि हेल्प मी आउट विद दिस। अब मैं जब उसके स्किल सेट देख रहा हूँ तो उसने कोई स्किल डेवलप नहीं किया हुआ, कहीं वो बिजनेस डेवलपमेंट कर रही थी, कहीं वो जो है वो कहीं मतलब जनरल जॉब उसने की है, BBA में भी उसने जो है कोई ऐसा उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक टेक स्किल डेवलप इंसान कर ले। अब मैं उसको मतलब मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो टैलेंटेड है, बट नो नो स्किल, देर इज नो स्किल दैट 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 शी वाज एबल टू डेवलप। यानी कोई एक चीज में कोई टेक स्किल डेवलप कर लेती, कोई ऑरेटर अच्छा, मतलब कोई ना कोई चीज आप करते हैं ना, बिकॉज दैट इज वॉट सेल्स टूडे। मैनेजर जैसी जॉब अब आज तो है नहीं, कल को वो भी नहीं होगी कि जी मैं मैनेजर किस चीज, क्या मैनेजर, व्हाट इज अ मैनेजर। भाई आपके पास अगर कोई स्किल नहीं होगा तो आप जैसे तो बहुत है मार्केट में, जनरल आपको बात बता रहा हूँ कि देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर इन द मार्केट हु कैन जस्ट टॉक। सो यू हैव टू हैव ए स्पेसिफाइड स्किल और मल्टीपल स्किल सेट्स टू बी एबल टू हैव अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ये एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो प्लीज ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि जी मैं जो है वो बगैर किसी स्किल के मैं कामयाब रहूंगा जिंदगी में। आप बहुत जल्द मे बी आपकी कल को नीड भी नहीं होगी बिकॉज वो काम सब कर रहे हैं। तो मैं बहुत सीजन फाउंडर है, मैं एक इवेंट पे गया था 2 हफ्ते पहले, तो एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने इनवाइट किया था एंटरप्रेन्योर्स को, तो मुझे भी उन्होंने इनविटेशन भेजा था। मैं लास्ट से लास्ट फ्राइडे की बात है, मूवनपिक में इवेंट था, तो मैं कुछ लोगों से नेटवर्क कर रहा था। एक बहुत सीजन फाउंडर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन अब वो इतने सीजन हैं कि जाहिर है ऐसे लोगों से फिर आप सीखते हैं, तो मैं जाहिर उनकी बात सुन रहा था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, और मुझे अच्छा लगता है सवाल इस तरह के पूछना कि जिसमें मुझे लगे कि ना सामने वाला भी ऐसा उस काबिल भी हो ना सामने वाला कि उसका जवाब भी दे जबरदस्त, वरना जनरल आयबाश है तो हम हर पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो वो उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा देखें आपके हिसाब से मुझे ये बताइए कि इंसान जो पैसे कमाता है वो उसकी जो कोर बुनियाद है वो किस बेस पे इंसान ज्यादा पैसे कमाता है या कम कमाता है आपके हिसाब से, बिकॉज वो 30 साल से काम कर रहे हैं, बैंकर रह चुके हैं, अब स्टार्टअप फाउंडर हैं बहुत बड़े, और आपने नया पे का नाम सुना होगा, ये नया पे के सीईओ थे शायद, आप लोगों ने नाम सुना हो। खैर तो मैं इनसे मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर आप व्हाट डू यू थिंक, मुझे अपना अपनी क्या आप कितना एक्सपीरियंस है, व्हाट मेक्स अ पर्सन
मेक वेरी गुड मनी वर्सेस अ पर्सन हु इज जस्ट डूइंग ओके इन लाइफ, वो गुजारे कर रहा है, वो महंगाई का भी शिकार है, वो बस वो जिंदगी जी रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया मुझे, और मैंने जब उस चीज को, मेरी एक आदत है कि फिर मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि हाँ यार बात में दम तो था आदमी की। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो ना, उतना पैसा आप जिंदगी में कमाओगे। छोटी सी बात है ये, एक लाइन है ये, लेकिन इतनी इतना वेट है इस लाइन का कि अ पर्सन, एक आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना, उतना पैसा वो कमाएगा। तो अब आप बैठ के अंदाजा लगाएं, खुद को असेस करें, अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को असेस करें कि आपका आइडिया कितना बड़ा मसला हल कर रहा है, या आप कितना बड़ा मसला हल कर रहे हैं, खुद की वैल्यू असेस करने के लिए। एक उन्होंने स्टेटमेंट कहा, और बेसिकली बात हो रही थी टैलेंट की, कि मार्केट में जो है वो टैलेंट शॉर्ट है, और ग्रेजुएट्स जो हैं उनके दिमाग आउट हुए हैं, वो पता नहीं क्या पैसे मांग रहे होते हैं, इस तरह की बात हो रही थी, ये टॉपिक था, हम खाना खा रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि देखें, आदमी 30,000 भी कमा रहा है, आदमी 50 लाख भी कमा रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही सॉल्विंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। समझे इस बात को, कितनी बहुत डीप बात है, बहुत रियल बात। मैं अगर अपने करियर को भी देखूं तो बिल्कुल उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही मुझे। तो मैं सबको यही चीज, आगे मेरा काम है आप लोगों को पास ऑन करना ये नॉलेज जो उन्होंने मुझे दी, कि बात में कितना वेट है, अपने आप के, अपने करियर को, अपने आप को, अपने आइडिया को असेस करें, अपने स्किल को असेस करें। ये स्किल वाला पॉइंट, इसीलिए स्किल की बात है कि क्या आपका स्किल इस काबिल है कि आप एक बड़ा मसला हल कर सकते हैं। और आई एम सॉरी, ऑफिस में दो लोग लड़ रहे हैं तो वो बड़ा मसला नहीं होता, स्किल होना जरूरी होता है, कोई ना कोई स्किल डेवलप करें। अगर आप इस काबिल हैं तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी होगी, आपका पैसा भी होगा, आप उस तरह कमाएंगे भी। एंड एवरीबडी इज हियर फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, राइट? पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं ना, यहाँ में शौक तो नहीं होता, एक बात है। सो दिस इज वाई दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। फाइनली, हो सकता है ये चारों चीजें ना हो, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट हो, आपके अब्बू के पास पैसे हो, आपके पास पैसा आ गया हो कहीं से, खानदानी, आपने कहीं से फंडिंग किया, आपके एक्सेस हो, कोई इन्वेस्टर हो, वो कह रहा हो लगा दें, तो आप कहते हैं हाँ चलो यार मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो ये भी फैक्टर है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कि लेट से आपका इंटरेस्ट भी था और आपको स्किल भी आता था और आपके पास फाइनेंस भी दस्तियाब थी, तो आप वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये पांच चीजें मेरे हिसाब से जो है वो आपके बिजनेस आइडिया में, ये पांच चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उनको, ठीक है? और आप जब बिजनेस के बारे में सोचें भी, कोई आइडिया के बारे में, तो यू नीड टू कंसिडर दीज फाइव फैक्टर्स। इनमें से ही कहीं ना कोई इंटरसेक्ट कर रहा होता है और आपका आइडिया बन रहा होता है। तो अक्सर जो लोग सवाल करते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या बिजनेस करूं, मैं, तो उसके जवाब इन पांच में ही आपको नजर आएंगे। यहीं से आपको एक्सप्लोर करना है इसको कि आपने क्या करना है। और मेरी जो सजेशन है वो यही है कि हमेशा वो काम करने की कोशिश कीजिएगा जो आपको पसंद हो, बिकॉज आप नहीं कर पाएंगे अच्छा उसमें, अगर आपको वो नहीं पसंद, और आपने अपने अम्मी के अब्बू के कहने पे कर लिया, या अपने खालू के कहने पे कर लिया, या आपके पड़ोसी में इमरान साहब थे, जैन साहब थे, उनका बेटा था मुस्तकीम, उसने बड़ा अच्छा वो कर लिया, तो आप ये हमारे माजरत के साथ, हमारे कल्चर में ये बहुत इंस्पिरेटिव चीज है। लेकिन मैं जनरली अगर आपको बताऊं, पीपल माइट डिसलाइक मी फॉर दिस, बट आई हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट व्हाई देर आर नो वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। एंड मैं इतना ये बात लोगों को बोलता हूँ कि आप नोट करें, अगर आप दुनिया की न्यूज फॉलो करते हैं, अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं इस चीज की कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, स्टार्टअप्स किस तरह के बन रहे हैं, क्या हो रहा है, अगर आप इस तरह के प्रोमिनेंट लोगों से बात कर रहे हैं और या उनको सुन रहे हैं, बात ही कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि जो टोटल अगर हम बात करें ना इंटायर यूनिवर्स की, वहां पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स कहीं भी नहीं है, दे स्टैंड नोवेयर। मतलब आप विद इन पाकिस्तान में नहीं कह रहा, ग्लोबली ग्लोबली आपको दुनिया में अमेरिकन नजर आएंगे, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपको चाइनीज नजर आएंगे, इंडियंस अब बहुत आगे आ गए हैं आप, और इंडिया पड़ोस में ही है, कराची से थोड़े किलोमीटर पे बॉम्बे शुरू हो जाता है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सोच का और कल्चर का डिफरेंस है। इंडिया, चाइना, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपको जितने मेजोरिटी एंटरप्रेन्योर्स है ना, यूरोप में ज्यादा, आपको यहीं से नजर आते हैं। आपको क्यों पाकिस्तान से नहीं कोई वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर कभी, या वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन है ही नहीं कोई दुनिया में, कोई टॉप 100 में भी शायद ना हो, या होगा तो एक होगा, नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे कल्चर में
बिजनेस बना के उसको बड़ा करना और चलाना है ही नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी लर्निंग है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे कल्चर में है कंफर्ट, हमारे कल्चर में है नौकरी जी हुजूरी, हमारे कल्चर में है कि यस सर यस सर यस सर यस सर, और उसके लिए नौकरी जरूरी है और उसके लिए हमें एक तनख्वाह मिलती है जो हमारे जो जितने भी ड्रीम्स हैं उसको किल कर देती है, उसको उसकी फौत हो जाती है क्योंकि तनख्वाह आ रही है भाई। बड़े जब हम हो रहे थे तो बड़ों ने हमें कहा कि भाई सुकून से जो है तनख्वाह लो, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 1 तारीख को, बेटा खामोशी से पैसे कमाओ, घर बसाओ, शादी करो, फैमिली को दो और सुकून करो। दिस इज आवर अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारे वालिद यही कर रहे थे, हमारे चाचा यही कर रहे थे, तो हम भी यही करेंगे। तो और यही फर्क रहता है, यही फर्क है दूसरे कल्चर्स और हमारे कल्चर्स में। और जब हम ऐसी सोच के साथ बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारी एबिलिटी टू एसेस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि बॉम्ब फट रहे हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज हम अपनी जिंदगी में सुकून में। तो आप इस चीज के बारे में सोचिएगा, मैं तो बहुत असेस कर चुका हूँ इस चीज को, और इस चीज से बाहर आना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमें कंफर्ट की आदत है। और मैं आपको ये चीज वार्न कर रहा हूँ कि कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे ना आप, बहुत जल्दी आपका बिजनेस, आप खुद भी एक प्रोडक्ट है, हर इंसान एक प्रोडक्ट है, हर इंसान के स्किल सेट्स हैं, वो प्रोडक्ट है, उसके फैक्टर्स हैं कि वो किस चीज से इंटाइस होता है, मोटिवेट होता है, वो क्या डिलीवर कर सकता है, हर इंसान एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है। आप खुद भी एज अ ब्रांड जो है ना, वो बर्न आउट हो जाएंगे बहुत जल्द अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर आप बिजनेस में चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, खुद में चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप खुद भी बर्न आउट हो जाएंगे। सो हमारे हमें ये सिखाया गया रिस्क नहीं लो, हमने बस ये जो हम कह रहे हैं ये फॉलो करो। फिर हमने हमें एक प्रॉब्लम ये कि अच्छे सवाल करना जो है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि सवाल पूछने को डिसरिस्पेक्ट भी समझा जाता है कुछ घरों में, ये सवाल करने लगा है, बदतमीज हो गया। तो यू नो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम फिर हम हमारा माइंडसेट ये बन जाता है भाई 9 से 5, कांटे से कांटा, जिंदगी इसी में खत्म हो गई। और बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट जो है ना वो इसमें जाया हुआ है पाकिस्तान में। तो जब तक आप प्रॉब्लम्स हेड्स ऑन सॉल्व नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना पाएंगे। वो प्रॉब्लम्स जॉब पे सॉल्व करना शुरू करें, घरों में करें, प्रॉब्लम में घुसना शुरू करें। आई एम सॉरी टू से, बट फ्रॉम वेरी जूनियर लेवल्स, बाय जूनियर लेवल्स आई मीन डोमेस्टिक स्टाफ टू वेरी सीनियर लेवल, जनरली मैं बता रहा हूँ, अब क्योंकि मैं कोवर्किंग में काम भी करता हूँ, बहुत सारी कंपनीज साथ होती हैं, तो अब इंटरेक्शन अलहमदुल्ला लोगों से ज्यादा है, नेटवर्क ज्यादा करते हैं, बात ज्यादा करते हैं। मैंने हम पाकिस्तानियों में हडरामी देखी है, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, कि काम से बचना है, काम से बचना। देखिए काम से बच के कोई कभी भी कामयाब नहीं हुआ, काम से बच के आप ठंड मचा लेंगे, आप घर चले जाएंगे, काम से बच के कभी कोई कामयाब हुआ ही नहीं भाई। अगर हुआ है तो आप अपने सर्कल में देख लें, मुझे नहीं लगता, मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं। काम करके मसले हल करके लोग बड़े बने, ये जहन में अपने लेके आइए इस चीज को, लेट दैट सिंक इन, लेट इट यू नो नर्चर इन योर ब्रेन्स एज वेल, लेट इट ग्रो इन योर ब्रेन्स, कि यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू मेक सक्सेसफुल आइडियाज, बिजनेसेस, एंड टू बी सक्सेसफुल योरसेल्फ एज प्रोफेशनल्स एज वेल, यू हैव टू। अब मैं आपसे दो बोनस टिप्स शेयर करूंगा, ठीक है, बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी लर्निंग है कि ये टिप्स जो है, और ये वो टिप्स हैं जो बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहे होते बिजनेस स्टार्ट करते हुए, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग एंड यू नो काम शुरू करना है, बस ग्रो करना है। देखिए पहली टिप ये है कि नेवर स्टार्ट अ बिजनेस विद अ लोन, कोई बिजनेस कभी भी कोई लोन लेके शुरू मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी, हिमाकत है, इसको मैं हिमाकत कहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ। इकोनॉमिक कंडीशंस आप देख लें, इन्फ्लेशन आप देख लें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देख लें, चीजें महंगी हो रही हैं, कस्टमर्स इधर उधर जा रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है, टैक्स हैवी होती जा रही है दुनिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डाइवर्स चेंजेस हैं, अब मेजोरिटी 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड, ये आप लोग को शायद मालूम हो या ना मालूम हो, यानी पाकिस्तान की अगर 20 22 25 करोड़ आवाम है, तो 15 करोड़ आवाम जो है 30 साल से नीचे है। आप सोच सकते हैं इस चीज को कि कितनी आवाम, वी हैव सच ए यंग पॉपुलेशन, और वो यंग पॉपुलेशन अगर स्किल सेट पे और अपनी डेवलपमेंट पे और अपनी ग्रोथ पे काम नहीं कर रही, तो कितना जाया कर रहे हैं खुद को, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान पे बर्डन डाल रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि
नेवर स्टार्ट अ बिजनेस विद अ लोन, यू विल नीड टू रिटर्न द फंड्स एंड प्रॉफिट इंटरेस्ट इवन इफ यू मेक अ लॉस। यानी आपको लॉस और प्रॉफिट तो गारंटी नहीं है भाई, लेकिन पैसा वापस देना है ये गारंटी है। तो ये कैसा बिजनेस है, ये कौन सा अकलमंद आदमी करेगा? बहुत सारे लोग करते हैं ये, पता है। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये मैं आप 5 लाख लोन करा दे, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। भाई क्या गारंटी है कि बिजनेस से कमाओगे, घर चलाओगे? घर नहीं चलाया तो लोन वापस करोगे? कल को ना लोन वापस कर सके तो घर भी नहीं, जो घर था वो भी गया। मतलब थिंक क्या होगा फिर। ये एक अगेन बात वही है कि रिस्क, लेकिन रिस्क ऐसी ली जाए जो सेटल रिस्क हो ना, अपने आप उसके लिए वसीले बनाए। द रिस्क ऑफ टर्निंग द फंड्स एंड मेकिंग अ प्रॉफिट आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू। सो लोन से शुरू नहीं करना है आपने कभी, ठीक है? लेकिन फिर कैसे शुरू करना है, सवाल अगला होना चाहिए अकलमंद आदमी का कि भाई अगर आप कह रहे हो लोन से शुरू नहीं करें तो कैसे शुरू करें। उसका जवाब यह है कि सेविंग से शुरू किया जाता है, अपने पैसे से शुरू किया जाता है बिजनेस हमेशा। उसका एक जवाब ये है, अगेन घूम फिर के बात स्किल्स पे आ जाती है। आपका खुद का क्या स्किल है? अगर आपके पास स्किल है तो आप साइड इनकम बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ महीने में आप पैसा रेज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल ही नहीं है और आप भी वो ठंड मचाने वाले हैं, तो फिर बिजनेस, तो फिर लोन ही लेना पड़ेगा। और लोन में नुकसान हुआ तो गया वो, आप फिर आप बिजनेस का लॉस भी भरे हैं, लोन भी रिपे करते रहे हैं, और यूर डूम्ड। तो ये रियलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्ट वेरी स्मॉल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे ना, छोटा स्टार्ट करे। उसकी वजह यह है कि आपका रिस्क छोटा होता है। छोटे छोटे बिजनेस में छोटे थोड़े कस्टमर्स, थोड़े कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस में दम है, उसको फिर बड़ा करें। सो हमेशा बिजनेस अपने अपने वसीलों से, अपने पैसों से, अपने सर्कल के पैसों से शुरू कीजिएगा। कोई ऐसा लोन ना लीजिएगा जिससे आप जो है ना, सॉरी, कहीं के भी नहीं रहेंगे। सो साइड इनकम्स बनाना, स्किल्स बनाना, ये इसीलिए जरूरी है कि आप इससे थोड़ी साइड इनकम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका अपना पैसा है, नो, यूर आंसर टू नो बडी। देयर इज समबडी ऑफिस में है, उसको फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत शौक है। ये सच बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं खाले कुछ हफ्ते पहले पुरानी बात है, तो मेरे से डिस्कस कर रहा था लंच में कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, और ना मैं ये क्या कहते हैं, मुझे कोई ऑफर कर रहा है कि फला अमाउंट, मुझे उसने अमाउंट बताई, उसमें आके ना मेरे साथ पार्टनर कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ मैं फला बंदे से ना एक लोन पकड़ के और वो कर लूँ, इसके साथ स्टार्ट कर लूँ। मैंने कहा यार आजकल के हालात देखो, तुम लोन ले रहे हो, तुम यू हैव अ फैमिली, आप पे जिम्मेदारियां हैं, आप इज अ फादर, ठीक है? मैंने कहा कि अपने घर देखते हो, रेंट पे रहते हो, जो भी, तो तुम्हें लगता है इट्स वर्थ इट? तो फिर वो खामोश हो गए थोड़ी देर, उसने सोचा। कभी कभी ना आपको गाइडेंस भी जरूरी होती है। इंसान बहुत कुछ सोच रहा होता है, बट यू नीड द राइट मेंटर्स, जो मैंने लिखा कि फॉलो, यू नो, टॉक टू द राइट पीपल जो आपको गाइड कर सकेंगे। तो वो फिर उसका जवाब आया, सोच के उसने मुझे कहा यार बात तो सही आपने की, और ये सच्ची मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वो थोड़ा ना स्केप्टिकल हो गया साइड में। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास सेविंग है कोई? कहता है यार इतनी सेविंग होती नहीं है, वो 3-4 लाख रुपए हैं। तो उसने ये बोला मुझे। तो मैंने कहा फिर इस 3-4 लाख में कुछ कर सकते हो? कह रहे इस 3-4 लाख में क्या बड़ा होगा सर, आप बताएं ये। मैंने कहा बड़ा क्यों करना है अभी, उसको पहले छोटा रखें, फिर बड़ा बाद में होगा। हर चीज बड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है। ये एप्पल, ये सब क्या पहले दिन से बिलियन, ये ब्लू चिप कंपनीज थे, यूनिकॉर्न कंपनीज, यूनिकॉर्न स्टार्टअप थोड़ी थे पहले दिन से। दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल विद अ स्मॉल ऑडियंस, एंड टुडे दे आर बिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज, बिकॉज दे स्टार्टेड स्मॉल एंड देन दे लर्न फ्रॉम देयर कस्टमर्स, दे केप्ट डिस्कवरिंग द नीड ऑफ द मार्केट, एंड देन दे मेक देयर मेड देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स हाउ दे बिकेम। मैं उसको पूरा समझा रहा था। तो उसको फिर एंड में मैंने कन्विंस किया, उसको रिटेल सेटअप बनाया। तो मैंने उसको कहा यार तुम एक काम ये करो, देखो ये जो तुम्हारे पास 3-4 लाख रुपए है ना, ये तुम्हारे अपने पैसे, इसका जवाब तुम्हें किसी को नहीं, किसी को देना है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसका मतलब तुम उसके बादशाह हो, तुम उसके पैसे के किंग हो ना, तुम्हारा पैसा है यार, उड़ा भी दो तुम तो अफसोस होगा? कहते हैं हाँ अफसोस तो होगा, लेकिन बहरहाल उड़ा दूंगा तो किसी को जवाब थोड़ी देना। मैंने कहा बेहतरीन, तो ये समझो बात को, इस बात को समझ लो। तो उसने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा यार तुम कुछ नहीं करो, तुम क्यों स्टार्ट कर लो। उसको फास्ट फूड का शौक था। मैंने कहा भाई किसी बड़ी चेजअप या कहीं पे जाके ना क्योंस्ट लगा लो, वहां पे यू नो यू कैन फास्ट फूड, आप क्यों स्टार्ट कर सकते हो 3-4 लाख रुपए में उनसे बात करके। उसको समझ आई बात। मैंने कहा यहाँ से शुरू करो, कि कल को अल्लाह ना करे अगर ये पैसा तुम्हारा डूब जाए तो ये एक तो लर्निंग हो गई तुम्हारी, ठीक है? तो इसमें डूब गया पैसा, और तुम्हारा अपना पैसा था, तुम्हारा कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तुम्हारी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही,
इस पैसे से तुम्हारा किसी को तुम्हें जवाब थोड़ी देना है ना, किसी को वापस करना, उसको समझ आई बात। तो अगेन पॉइंट ये था कि वो यंग बंदा है, वाइब्रेंट, लेकिन उसको सही गाइडेंस शायद नहीं कोई दे पा रहा था। वो उसी जहन में कि मैं बड़ा और मैं लोन और ये, भाई देखें आजकल के दौर में बेकार के ये लोन्स, इनसे दूर रहिए, स्कैम से दूर रहें आप फंस जाएंगे। सो माय टिप वाज ये दो चीजें जो मैंने आपको टिप दी। सो इसमें अब बहुत कुछ और भी किया बताया जा सकता था, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन विद टाइम, तो मैं इससे ज्यादा बात आज तो नहीं कर पाऊंगा। मे बी सम टाइम, कोई नेक्स्ट टाइम हम उसको सेशन रखेंगे जिसमें देन आई कैन टेल यू कि व्हाट आर गोइंग टू बी द स्टेप्स टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आज टाइम की किल्लत की वजह से वो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट आई होप आप लोगों को जो मैंने बातें की वो समझ आई कहीं ना कहीं, आप उसमें, आपको उसमें वैल्यू नजर आई। बिकॉज मेरा पॉइंट ये था कि आप लोग समझें चीजों तो आई होप आपको समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह की बात करना चाह रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट चीजें मैंने बार बार, मेरी एक आदत है कि आई ट्राई टू एम्फसाइज ऑन थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक जो की टेकअवेज हैं आज के सेशन के, वो एक तो ये कि आपको कोई ना कोई अपना स्किल बनाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए भी। पहली चीज तो आई थिंक कम्युनिकेशन की जो हमने डिस्कस की, कि प्लीज कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी रखें। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है कि आप लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड अटेंशन में, अपनी बात में वजन रखते हुए उसको आगे कैस्केड कर सकें। ये बहुत बड़ा स्किल है, ये बना लें अपने अंदर, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग को नहीं कहते, कम्युनिकेशन लिसनिंग को भी कहते हैं। और अल्लाह ताला ने किसी वजह से दो कान बनाए और एक मुंह बनाया है बोलने के लिए। वो रेशियो भी अल्लाह ताला ने सेट किया, 2:1। 2:1 का क्या मतलब? दो कान है, सुनना ज्यादा है, एक मुंह है ना, बोलना कम है। हमारा उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, हम उल्टा चलते हैं, हमें बोलना ज्यादा है, सुनना कम है। सो यू नो सक्सेसफुल पीपल, पीपल हु आर डूइंग वेल इन लाइफ, दे लिसन एंड अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड दे ओनली टॉक व्हेन नेसेसरी, एज कंपेयर टू पीपल हु आर ब्लैबिंग ऑल अराउंड, वो उनके दो मुंह है और एक कान है। ये चीजें समझने वाली हैं। सो कम्युनिकेशन वॉज नंबर वन। नंबर टू वॉज अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू डेवलप ए स्किल, ठीक है। स्किल का मतलब कोई टेक स्किल हो, कोई एक खास चीज हो जो आपको ब्रेड एंड बटर आपका बन सके, जो आपको कंपेरेटिव एज दे कि आप एक कमरे में फॉर एग्जाम्पल चार लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका एक स्किल हो जो आपको, जिस जो आपकी पहचान हो कि जी फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अली है, तो अली का ये स्किल है, अली इसमें अच्छा है, और मैनेजमेंट इज, आई एम सॉरी, ये स्किल्स नहीं होते कि अली कैन मैनेज पीपल, ठीक है, ये भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन बाय स्किल आई मीन कोई ना कोई टेक्निकल एबिलिटी, कोई ना कोई एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड बींग प्रोडक्टिव, कोई ना कोई होनी जरूरी है, वरना यू आर आउट। वरना आप ऑनेस्टली, आप जैसे बहुत लोग हैं, तो हमारी, हमें कोशिश ऐसी करनी है कि हम जैसे बहुत लोग ना, थोड़े से लोग हो ताकि हमारी वैल्यू। तीसरी चीज, द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व द मोर मनी यू विल मेक इन लाइफ, जो मेरी लर्निंग है लाइफ की और जो मैंने आपसे शेयर की। तो कल को अगर आपको ये खुद से ही तकलीफ होना शुरू हो जाए ना कि यार मेरे तो इनकम ही इतनी कम है, तो जरा बैठ के असेस कीजिएगा, एम आई सॉल्विंग ए मैसिव प्रॉब्लम? इफ येस एंड इनकम इज लेस, टाइम टू रीथिंक। इफ नो, देन स्टार्ट सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम सो दैट यू कैन मेक मोर मनी। ये जिंदगी में याद रखें, ठीक है। और आखिरी लास्ट चीज, हमने क्या बात की? हमने आइडियाज की बात की कि आइडिया, बिजनेस आइडिया, हमें, हमें हमारा टॉपिक था ना कि बिजनेस आइडिया। मैंने आपको बताया आप हॉबीज पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी, अगर आपके पास एक्सेस है पैसों का, आप वो कर सकते हैं। आप मार्केट गैप के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर गैप है तो वो किस तरह से मैं वो बिजनेस खोल लेता हूँ जिसका गैप है। तो ये यू हैव टू बी अवेयर, आपको मार्केट अवेयरनेस, स्किल अवेयरनेस, स्किल बन जाए तो उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने चीजें डिस्कस की। एंड फाइनली मैंने आपको एक बोनस टिप दी कि कोई लोन लेके बिजनेस मत स्टार्ट कीजिएगा कभी, प्लीज, ठीक है। हमेशा अपनी सेविंग्स की काबिलियत पे बिजनेस शुरू कीजिएगा ताकि आप आंसरेबल ना हो किसी को बिला वजह। और नुकसान हो तो नुकसान इसलिए होता है कि उसमें सीख होती है, ठीक है। कोई भी, जितने आपको ये बड़े बड़े आज फाउंडर्स नजर आ रहे हैं ना, जितने भी आप फॉलो करते हैं, अगर आप किसी को करते हैं, इन्होंने बहुत फेलियर्स झेले हैं जिंदगी में। फेलियर्स को कोई नहीं जानता, सक्सेस सब देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यू ओनली नीड टू बी सक्सेसफुल वंस इन लाइफ। एक चीज में आपकी चलना है, उसके लिए अगर आपके 20 फेलियर्स भी हो ना तो कोई मसला नहीं है, चलना एक चीज में, जिंदगी सफल हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो बिजनेस में ये जहन रखिएगा अपना कि शायद आप बहुत कुछ स्टार्ट करें, चले नहीं, लेकिन अगर एक चीज भी चल गई ना,
दैट्स इट, उसी ने चलना है। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें ना, इलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले लें, किसी का भी ले लें, चलना एक चीज ने, उसके 25 और वेंचर्स होंगे, कोई नहीं चल रहा, एक चला, बड़ा आदमी बन गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज सक्सेस के लिए बहुत सारे फेलियर्स बहुत जरूरी है, वरना सक्सेस का मजा भी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, और ना आप उसको एंजॉय कर पाए। सो प्लीज, हारना, हार नहीं माननी है, अडेप्ट करते रहना है चेंज को, ग्रो करते रहना है, और स्किल्स पे रिलेटिवली ज्यादा फोकस करना शुरू करें। कम्युनिकेशन और स्किल्स, दो चीजों पे प्लीज, ये दो चीजों को बहुत प्रायोरिटाइज कीजिएगा, बहुत जरूरी है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, बिजनेस में भी, पर्सनल डेवलपमेंट में। एंड फाइनली आपको एक बात बताऊं, कि एक रेलेवेंस वाली बात शेयर करूंगा बिफोर वी क्लोज एंड मूव टू द क्यू एन ए सेशन। रेलेवेंस की बात मैं ये शेयर आपसे करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अच्छा, लोग ना बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली आई एग्री कि कोई ना कोई किसी ना किसी का हीरो होता है बिजनेस में भी, लाइफ में भी, कि मैं आई लुक अप टू दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी लाइक देम, यू नो। अगर आज हम बिजनेस की बात करें तो लेट्स टॉक बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा फैन है मार्क जुकरबर्ग के, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फैन है इलॉन मस्क के, बहुत ज्यादा फैन है जो है वो अनिल अंबानी के, या किसी के, कोई बड़ा आप एंटरप्रेन्योर दुनिया में ले लें जो बहुत यूनिकॉर्न कंपनी का को रन करता है, या किसी के भी आप फैन। सर, मेरी थिंकिंग ये है कि मैं, अच्छी बात है आप इंस्पायर हो लोगों से, लेकिन आई थिंक रेलेवेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर। अब जिनकी मैंने नाम लिए ना, तीन चार बड़े बड़े नाम, मैं और भी बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन ये सब एक अलग कल्चर में, एक अलग अपब्रिंगिंग में, एक अलग सोसाइटी में बड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। इनके घरों में वो तकलीफें नहीं थी शायद जो पाकिस्तानियों के घरों में है, इनके घर में बिजली, पानी, गैस, ये सब मसले नहीं थे, इनके घरों में खाने पीने के मसले नहीं थे। जाहिर है हमारे यहाँ गुर्बत भी है, ठीक है, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। इस इन्फ्लेशन में मैंने अमीर से अमीर लोगों को बजट करते हुए देखा है जो सोच भी नहीं सकता था। तो रियलिटी है, दुनिया की रियलिटी है, दुनिया भर में महंगाई है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको हमेशा उन लोगों को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जो आपके सर्कल में, जो आपके सर्कल के अंदर सक्सेसफुल है ना, उसको फॉलो कीजिए, रादर देन मार्क जुकरबर्ग को फॉलो करें। उसको भी करें यार, अच्छी बात है, लुक एट व्हाट दे आर डूइंग, बट यू कैन, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट रियलिस्टिक फॉर यू टू बिलीव कि यू विल बी लाइक हिम, बिकॉज वो एक अलग दुनिया से है, अलग जियोग्राफिक लोकेशन पे वो रहता है, और उसके अलग जो है वो सर्कमस्टांसेस थे ग्रोथ के। आप एक अलग, अगर आप अपने सर्कल में किसी से इंस्पायर होंगे ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उस जैसे आपसे बेहतर बन भी जाएंगे, बिकॉज आपके सर्कल में था ना, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ और आपके मसलों में ही वो बड़ा बना, तो आप भी बन सकते हैं। तो ये एक मेरी लर्निंग है। लोग बहुत ज्यादा अनरीजन, मुझे अनरीजनेबल लगता है कि जी आई वॉन्ट टू बी लाइक जुकरबर्ग, भाई बन जाओ, अच्छी बात है, सोचो, लेकिन रियलिस्टिक बनो। उसके अलग दुनिया है, उसकी अलग, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में वो रह रहा है, हम एक डेवलपिंग नेशन में रहते हैं, हमारे मसाइल अलग है, इन मसाइल से बड़ा बनना ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ अगर कोई सक्सेसफुल थोड़ा भी है ना, तो ही इज अ परफेक्ट रोल मॉडल फॉर यू, रादर देन समबडी हु इज अ ग्लोबल आइकॉन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। And thank you everyone for your time. And I hope this session was fruitful. And the last 5 minutes or 10 minutes we'll keep for the Q&A. So yeah, Shabir, कोई question answers हो तो please पूछें। ऐसन इकबाल का question है कि corporate sector में startups के लिए कितनी space है? क्या मतलब, इस ये question समझ नहीं आया, space है का क्या मतलब? ये question समझ ही नहीं आया, startups के लिए कितनी space है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, स्पेस क्या होता है ऐसा, थोड़ा समझाएं क्या कहना चाह रहे हो आप। सर शायद पूछना चाह रहे हैं, वैसे ऐसे ना आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मुझे जो लगा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में न्यू जो स्टार्टअप्स हैं उनकी कोई मतलब स्कोप है कि नहीं, शायद स्कोप पूछ रहे हैं। स्टार्टअप्स का स्कोप तो वैसे है, तो सर आपको रिप्लाई करेंगे। आई थिंक ऐसा यही आप पूछना चाह रहे हैं जो अनम ने बताया। अगर आप ऐसे स्कोप की अनम्यूट कर बात लें कर आप रहे हैं माइक और बताएंगे। जी, ऐसे ना माइक अनम्यूट करके बात कर लें। ऐसा अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लो, कोई मसला नहीं। ओके ऐसा, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है स्टार्टअप्स के लिए मुझे नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। खैर ऐसा ना, आप जब आपको मौका सर इन मिला। अ मीन वाइल
आई वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट, अनलेस एहसन का मसला सॉल्व होता है. आई हैव अ क्वेश्चन प्लस अ पॉइंट टू मेक. थैंक यू वेरी मच फॉर डिलीवरिंग सच एन एनलाइटनिंग सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ी अच्छी चीज़ों की तरफ, जो स्पेशली इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम अपने मुल्क की बात करें, अपने सिस्टम की बात करें, उसमें जो गैप्स हैं वो आपने वेल आइडेंटिफाइड किए, हम तक बताएं. बट सर, जो एक हमारे यहाँ आपने कहा कि वो कल्चर नहीं है, वो मेंटेलिटी नहीं है, वो लैक ऑफ माइंड सेट है, डोंट यू थिंक वन ऑफ द यू नो मेन रीजन बिहाइंड इट कि हमारी जो हाँ सिस्टम में अर्ली स्कूलिंग है उसके अंदर ये जो एज किड जो एप्टीट्यूड एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो हमारे यहाँ सिरे से ही नहीं है. हमारे यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन की कुछ चीजें बनी भी हुई हैं जिसकी बेस के ऊपर बिल्कुल कोई बंदा आगे जाके अपनी कोई चीज डिस्कवर करता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो अपने स्किल को काफी लेट जाके डिस्कवर अगर करता भी है, तो उसके लिए उसकी कोचिंग के लिए हमारे यहाँ जो बच्चे कन्वेंशनल सेटअप में वो फ्लॉप समझे जाते हैं कि जी ये तो मैट्रिक फेल है, एफए फेल है, इसको किसी हुनर में डाल दो, जिस तरह ये टेफ्टा के पंजाब में सेटअप है टेक्निकल एजुकेशन के, वो वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे को हुनर सीखने जाते हैं और कल को उसमें हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपना उसके ऊपर बिजनेसेस भी बाद में बिल्ड किए हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को हमारे सिस्टम के अंदर वो इन अ वे लेस केपेबल समझा जाता है. और ये मैं समझता हूँ कि ये इफ यू एग्री विद मी कि हमारी जो स्कूलिंग है उसके अंदर, जिस तरह मैं चाइना के स्कूल्स का मैं मॉडल पढ़ता हूँ, यूरोप के स्कूल्स का पढ़ता हूँ, तो वहां पे पर्टिकुलर कोर्स उनको नहीं थोप दिया जाता, मैथ और ये अलजबरा और ये वो, उसमें बच्चे का एप्टीट्यूड देखा जाता है कि ये हो सकता है साइंटिफिकली थोड़ा साइंस में आगे ज्यादा जाए, कोई मेडिसिन में ज्यादा जाए, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे जाए, कोई इंजीनियरिंग में जाए, तो वो अर्ली पिकिंग जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ जो आप यूथ के एक वेस्ट का बात उठा रहे हैं वो काफी उसके पीछे इस चीज का भी रोल है. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? बहुत बहुत बिल्कुल सही आपने सलमान रेज किया पॉइंट यार। बिल्कुल ये सिस्टम फ्लॉ है ना। देखें ये आई थिंक हम इंटरनल सेशन भी एक हो रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कि जीनियस और डफर का, ये बहुत एक मैं समझता हूँ बहुत ही एंशियंट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं कि हमने सब बच्चों को एक ही कोर्स दे दिया स्कूल में और बोला कि ये पढ़ो, और उसमें जो अच्छा है जिसके मार्क्स अच्छा आ रहे हैं वो जीनियस है, जो नहीं पढ़ा वो फेलियर है। तो हम ये भूल जाते हैं कि कुदरत ने, कुदरत का निजाम ऐसा है कि सलमान आप शायद एक चीज में बहुत जबरदस्त हो और मैं उसमें स्ट्रगल करूं, और मैं एक चीज में बहुत अच्छा हूं और आप वहां स्ट्रगल करें। एवरी आइडेंटिटी, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन सेट ऑफ केपेबिलिटीज एंड हैज बीन गिफ्टेड इन अ वेरी यूनिक वे बाय अल्लाह सुब्हान व तआला, व्हिच मींस दैट एब्सोल्युटली. आई कुड बी एन एक्सेप्शनली गुड ओरेटर एंड यू कुड बी एन एक्सेप्शनली गुड बिजनेसमैन। सो ये बिल्कुल सही आपने बोला कि आजकल हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत कम स्कूल्स हैं, बल्कि अब बहुत कम स्कूल्स हैं, जनरली तो स्कूल्स हैं ही नहीं जो इस चीज को रियलाइज करके पेरेंट्स भी वो रैट रेस में बच्चों को घुसा देते हैं कि जी आप सीखें और आप जो आप सबने ये पढ़ना है, आप सबने आगे जाना है, आप सबने ये चीज करनी है। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया कि हमें बहुत जल्दी ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्क्रैच से हमें ये चेंज लाना होगा, जिसमें हमें बच्चों की बहुत छोटी उम्र में उनके स्किल सेट को, उनके टैलेंट को, उनके इंटरेस्ट को समझना होगा और उनकी आगे की जो आला तालीम है उसको बहुत छोटी उम्र में उनको डाइवर्स इस तरह लेके जाना होगा कि वो चैनलाइज कर सके और प्रोडक्टिव बन सके सोसाइटी के लिए। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि एब्सोल्युटली. 50-60% ऑफ दिस कंट्री इज पार्ट ऑफ द यूथ, इट्स मैसिव, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में आपको पता है ये बात, यंग पॉपुलेशन में पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये कितना बड़ा एक फैक्टर है। बिल्कुल आपने सही बात रेस की, ये जो है ना ये हमारे कल्चर का एक फ्लॉ है जो हमारी स्कूलिंग में भी है, हमारे बड़ों में भी है। हमारे बड़े भी कहते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वही आज तक पुरानी बातें यही करेगा वो, भाई करो, लेकिन बच्चे से तो पूछ लो उसको क्या करना है। आपको डॉक्टर बनना था आप नहीं बन पाए, या आपने इंजीनियर बनना था आप नहीं बन पाए, तो बच्चे पे थोप रहे हैं। बच्चा अलग माइंडसेट से पैदा हुआ है, बच्चे को अल्लाह ने अलग टैलेंट दिया, तो आप अपने बच्चे पे इम्पोज करेंगे ना वो अच्छा डॉक्टर बनेगा ना वो अच्छा इंसान बनेगा, फ्रस्ट्रेटेड वो बनेगा, डिप्रेस वो बड़ा होकर निकलेगा। सो आई मीन पेरेंट्स नीड, तो ये बहुत ही एक रूट लेवल पर एक मसला है सलमान हमारा ना। सो दैट्स दैट्स अ एब्सोल्युटली. बिग इशू। थैंक यू सर. सलाम जी एसएन आप, वालेकुम. अच्छा एसएन का एक मैसेज था, स्टार्ट में सपोर्ट की नीड होती है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में के लिए एक्सेप्टेंस या स्पेस पे एक्सपेरिमेंट्स ना हो तो यंगस्टर्स
मोटिवेशन लॉस कर जाते हैं एंड दे थॉट कि उनके आइडिया मेरी जान नहीं। तो ऐसा फिर आपका पॉइंट क्या है? आप कहना ये चाह रहे हैं कि स्टार्टअप्स के अंदर, मतलब आपका पॉइंट मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट के अंदर? देखें स्टार्टअप्स तो बहुत हैं, हम इतनी कंपनीज नहीं जितने बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्टअप में जॉब ढूंढना ये बहुत नॉर्मल है, बट आइडिया में दम होना चाहिए, इन्वेस्टर के पास जाए तो दम होना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। आप मार्केट को नीड पूरी कर रहे हो, और ये प्राइमरीली मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जहां मैं भी काम कर रहा हूँ कोवर्किंग में, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं, बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे नहीं चलते, बट दे इवॉल्व, दे कीप इवॉल्विंग, और ज्यादा स्टार्टअप्स हैं बड़ी कंपनी से अब तो जनरली, तो करियर्स बहुत हैं स्टार्टअप्स में, बहुत स्केलेबल ग्रोथ है लोगों के करियर्स में। सलमान आप कुछ कह रहे थे? तैमूर भाई, मैं यही कह रहा था अभी जो आप बात कह रहे थे। एक तो ये कल्चर का मामला, दूसरा ये भी है कि जिस चीज में आपका तजर्बा ना हो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अब तजर्बा तो इंसान को सीखने से ही आता है, इनिशिएटिव रिस्क तो लेना पड़ता है। अब इसमें बिगनर जो है वो जाहिर है किसी के अंडर रहकर ही सीखेगा, जब अपना इस काबिल होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक थोड़ा सा ये भी मसला है कि जब तक आप ये कह सकते हैं कि अगर जब तक आप डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर तो आप ये काम अपना नहीं कर सकते या कोई भी काम, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आजाद हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। पैसा जाया होगा तो अपना ही होगा, तो ये चीज भी काफी मैटर करती है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको तजर्बा ना हो आप शुरू ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर होमवर्क के तो, अगर ये सेशन बड़ा होता, 2-3 घंटे का होता, तो मैं डेफिनेटली इस चीज में भी पॉन्डर करता। बिल्कुल आपने सही बात रेस की है सलमान साहब, कि एक्सपीरियंस के बगैर कोई भी चीज में घुसना ये बचकाना चीज है, और खासकर किसी, जब आपका या किसी का पैसा लगा हो, तो एक्सपीरियंस, होमवर्क, कॉम्पिटिशन एनालिसिस, ये बहुत जरूरी चीजें हैं किसी भी बिजनेस में घुसने के लिए। और जनरली जो ये लोग ये नहीं करते, उनके सक्सेस के चांसेस भी मैंने तो नहीं देखे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी फूड पैंडा के सीईओ हैं, ठीक है, मैं उनको उनका नेम कोट कर रहा हूँ, तो वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाइयों की तरह, नुमान सिकंदर है, हमारे साथ काम करते हैं, फूड पैंडा के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने फूड पैंडा छोड़ी, अब वो अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, मार्केटिंग कंपनी बना रहे हैं, मार्केटिंग एट्रीब्यूशन डिफरेंट, एक उनका आइडिया है। अब मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है, क्या अचीव नहीं किया उन्होंने, बट जब मैं उनकी एफर्ट देख रहा होता हूँ, डेडिकेशन देख रहा होता हूँ, रिसर्च पे, कस्टमर ऑब्सेशन देखता हूँ उनका, तो मैं दिल में सोचता हूँ कि दिस इज अ पर्सन हु इज इन हिज मिड 40s, ही अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ एंड ही स्टिल सो क्रेजी अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड हिज कस्टमर्स, सो एंड ही स्टिल लर्निंग एंड ही स्टिल डूइंग रिसर्च। इससे बड़े एग्जाम्पल तो कोई है ही नहीं, कि आपने एक्सपीरियंस रेलिवेंट लेना है, वरना आप अपना पैसा भी, आपका भी हलाल का ही है ना, इसको भी क्यों फूकना है आपने? हाँ, उसमें रिस्क कम है क्योंकि आपने किसी को जवाब नहीं देना, बट पैसा तो आपका भी हलाल का है ना, ये है। ओके, जवेरिया का मैसेज है, वेरी इंसाइटफुल सेशन, ओके थैंक्स जवेरिया जी। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? 3 मिनट और है हमारे पास। दरुबे भाई, क्वेश्चन करना चाहूंगा जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने टिप्स के अंदर बताया कि आपने कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस करना है तो आपने लोन लेके नहीं करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने उसको क्लियर भी किया समझ पाने वाली बात। अब मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद जो है उनके एक फ्रेंड आते हैं कि यार मेरे भी जो है इतने पैसे इसमें लगा दो, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है और मैंने जो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है अपने आसपास के लोगों में, कि अगर आपका एक का पैसा बिल्कुल सही है, और इसमें नीयत बड़ी मैटर करती है, और सेकंड पार्टनर आपका जब उसकी अगर नीयत के मामला होते हैं और कुछ पैसे में भी गड़बड़ होती है, तो भी आपके मामला बहुत खराब होते हैं, क्योंकि वी आर एज अ मुस्लिम हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा कंसिडर करना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपका सवाल ये कि कोई अगर अपना पैसा आपके चलते बिजनेस में डालना चाहे, ये पूछना चाह रहे? मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने अपनी सेविंग करके बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, ठीक और है, उसके बाद उनके पास एक मिस्टर बी आते हैं कि यार मेरे भी इतने पैसे इसमें डाल दो, और मिस्टर बी के पास जो पैसे हैं वो जो है मिसाल के तौर पे सूप का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? और अगर वो उनका पैसा भी ठीक है
और आपको पता है, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। यार देखो, मेरा मेरी जो थिंकिंग है ना वो ये है कि जो आपका बिजनेस होता है ना वो आपकी औलाद की तरह होता है, ठीक है। हम में से जो पेरेंट्स है ना यहाँ पे वो समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि आपने इसको कंसीव किया है ना, आपका आइडिया था, आपने पैदा किया, आप बना रहे हैं, आप नर्चर कर रहे हैं, आप पाल रहे हैं, राइट। तो अनलेस नेसेसरी अपनी औलाद को कोई बांटता तो नहीं है कभी भी, कभी किसी को देखा है कि अपनी औलाद को किसी के साथ शेयर करे? तो मेरी सोच यह है कि खासकर शुरुआत में, बड़े हो जाते हैं तो आप औलाद को किसी पे छोड़ भी देते हैं कि नानी संभाल ले, दादी संभाल ले। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए बिजनेस, नानी संभाल ले, दादी संभाल ले, मेरा कजन संभाल ले, मतलब कोई और किसी के हवाले कर सकते हो। लेकिन जब छोटी होती है ना औलाद आपकी, या खासकर शुरू में जब 1 साल की होती है, तो आप किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते औलाद। तो मेरी भी यही सोच है, मैं भी इसी तरह सोचता हूँ कि अनलेस वेरी नेसेसरी, और आप जी बैंकरप्सी और ये इस तरफ जा रहे हैं बिजनेस में, तो आप किसी को इन्वॉल्व कर लें तो ठीक है भाई, वही बात हो गई, अल्लाह माफ करे कि आपके औलाद की तबीयत खराब हो गई, तो आपने इन्वॉल्व कर लिया किसी को कि भाई फाइनेंशियली या डॉक्टर को कि भाई वो नर्चर करेंगे, रोके। वरना द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड इज योर सन, ठीक है। सो मेरी ये बिजनेस में भी यही सोच है मेरी, कि मैं दूसरे को तभी इन्वॉल्व करूंगा जब मुझे लगेगा कि उसको जरूरत है मेरी औलाद को, वरना मैं कभी भी नहीं करूंगा पहला वाले, नेवर, आई विल नॉट डू तरुण इट। भाई, ये तो आपका एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये था, जैसे कि जो सेकंड पर्सन को हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि मतलब उसका पैसा कैसा है, उसका बिजनेस नेचर क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये सब चीज़ें भी तो मैटर करती है। इस बारे में बहुत आपका क्या इंपॉर्टेंट कहना बात है, बिल्कुल भाई, बहुत जरूर, बहुत मसले होते हैं जब मल्टीपल फाउंडर्स आ जाते हैं, सुनो कि अपने जहन है। और जब एक बात मैं आपको बताऊं, जब कोई अपना पैसा डालता है ना, तो वो अपनी तरीके भी डालता है, याद रखिएगा ये बात, है? कि जब आप किसी के साथ, और मेरी यार सॉरी टू से, मैं आपको अपनी एक लर्निंग शेयर करूं, दोस्तों के साथ बिजनेस नहीं करना, कभी भी कामयाब नहीं होगा, दोस्ती खराब हो जाएगी। दोस्तों के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें लाइट हो जाते हैं आप, लाइटली लेने लगते हैं आप चीजों को, तो यार आज मैं नहीं आ रहा, तुम देख लो, तू देख ले, यू नो दिस इज वेरी नेचुरल। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ काम कभी ना करें, और रिलेशनशिप्स भी आपकी पर्सनल भी खराब होंगी, और आप बिजनेस भी आपका फ्लरिश नहीं करेगा इन मसलों से निकल कर। तो जनरली जब भी आप किसी के साथ बिजनेस करें, अगर जरूरत पड़ रही है, तो कोशिश करें कि वो आपका रिश्तेदार या दोस्त ना हो, नंबर वन। नंबर टू, जो आप बात कर रहे हैं कि उसका माइंड सेट, उसका पैसा, देखें बिजनेस में आप किसी को इन्वॉल्व करेंगे और आप अपने आप को देखें ना, आप कहीं 10 रुपए भी डालेंगे तो आप सवाल करेंगे, भाई मेरे 10 रुपए हैं इसमें, तो वही उसका भी वही होगा भाई। तो जब आप इसमें, तो कह रहा हूँ औलाद है, वो औलाद में अगर आप शिरकत किसी की एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कर लें, तो ना मैं तो बहुत अर्ली स्टेजेस में नहीं बिलीव करता कि बिजनेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ओनरशिप में आ जाए, ये बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। आप काम के लोग रखें जिनका विजन सिमिलर हो, नंबर वन, द विजन हैज टू बी वेरी सिमिलर, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो भी वो अचीव करना चाहेगा, तो कामयाबी होगी। उसका अलग हो, आपका अलग हो, तो बिजनेस का विजन अलाइनमेंट सारी आउट हो जाएगी। सही, ठीक है तरुण भाई, थैंक यू सो मच। चले लास्ट क्वेश्चन अगर कोई है, वरना वी कैन क्लोज, हमारा 1 घंटा भी पूरा हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया। एनी लास्ट क्वेश्चंस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल तलहा, लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा जी तला, जी। सर अब सारी बातें, बहुत सेशन बहुत अच्छा समझ में आ गई, सवालात से भी बहुत सारे अपने सवाल भी जो है वो क्लियर हो गए, चीजें साफ हो गई हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ हम या कहीं पे खुद को इन्वेस्ट करें या अपना कुछ पैसा, कोई भी अपनी चीज इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि चैलेंजेस जो हैं वो एज अ वीआई, यहाँ पे मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग हम नई सुबह के एम्प्लॉयज भी हैं और वीआईज हैं ज्यादातर, तो हमारे चैलेंजेस और एक एक्साइटेड पर्सन के चैलेंजेस, वो भले अगर हम सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो वो कैसे डील किया जा सकता है, कोई एक एग्जांपल अगर आप दे सकें, क्योंकि हम काफी सारे सेशन तो नेट पे भी सुन रहे होते हैं, लेकिन वो जो बातें बता रहे होते हैं उनको हम बआसानी डील नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास अपना एक चैलेंज मौजूद है। बिल्कुल सही, अच्छा बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैंने जानबूझ के सेशन क्लोज करते हुए ना एक एग्जांपल आपको दिया था, कि मैंने ये क्यों कहा था आपसे कि मार्क जकरबर्ग और इनको, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया था, मैं इसलिए देता हूँ ये एग्जांपल और आपको भी दूंगा, कि देखिए लोग अपने मेंटोर्स उनको चुन लेते हैं जिनकी तरह वो है ही नहीं, जिनके वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं। तो अगर एक वीआई है तो उसको भी फॉलो उसी को करना चाहिए जो उन मसलों में, एक तो वीआई हो आइडियली,
और उन मसलों से निकल के कुछ बनाओ। तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि चैलेंजेस अलग हैं वीआई होने के, जाहिर है बिल्कुल है अलग चैलेंजेस। और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि आपके भी हीरोज जो हैं वो वैसे ही होने चाहिए जो आपके मसलों से गुजर रहे हैं, जिन्होंने आपके मसलों से गुजर के सक्सेस को टेस्ट किया हुआ। तो वो बात मैंने, सर, मुझे तो पता था कोई कि भी इस पॉइंट मिसाल सवाल ऐसी नहीं है आएगा। अभी तक जी तो। मेरे पास अभी तक तो कोई भी मिसाल ऐसी नहीं है जो कोई वीआई हो और मेरी नजर में वो सक्सेसफुल हो। एक मिसाल जब हम वर्क रेजिडेंस ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे थे तब दी गई कि अमेरिका में कोई मियाँ बीवी थे जो दोनों नाबीना थे, और उन्होंने ये जो सेंट वाली कैंडल होती है ये बेचना शुरू की, और उनकी जो वेबसाइट थी वो फिर इतनी पॉपुलर हुई कि अब उसके ऊपर बहुत सारी और भी चीजें जो है वो बेची जाती हैं। तो ये तो एक अमेरिका की मिसाल हो गई। पाकिस्तान में या हमारे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी वीआई को। लेकिन मुझे ये बताएं जी कि अगर उस उन्होंने उन्होंने जो काम किया वो काम करना, वो ऐसा ऐसा काम तो नहीं किया कि जो हम नहीं कर सकते। वेबसाइट बना के सोर्सिंग करना मुश्किल काम तो नहीं? आई डोंट थिंक वेबसाइट मुश्किल तो नहीं, काम। वो तो कैंडल कैंडल सेल क्या करते थे वो जो मियाँ बीवी थे दोनों। हाँ, ई कॉमर्स हो गया ना, आप बता रहे हैं वेबसाइट, वेबसाइट बोला ना आपने। जी, बाद में उनकी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर और मल्टीपल चीजें जो है वो सेल की गई क्योंकि ये उनका तो काम बहुत तो बहुत पता आराम से चल आप चला ये काम कर सकते हैं। ये काम मुश्किल थोड़ी है, उन्होंने बस राइट अपॉर्चुनिटी देखी। आप बहुत सारे काम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी के टूल्स ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू सेल्स कर सकते हैं, क्यों नहीं इनिशिएट करता कोई? तो अगर आपके पास पाकिस्तान में एग्जाम्पल नहीं है तो जरूरी थोड़ी कि आप बाहर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दें। भाई वहां पे अगर कोई सक्सेसफुल केस है और डुएबल बिजनेस है तो आप यहाँ पे नीड देखें, आप वीआई से बात करें कि वो एक्सेस किस तरह कर पाएंगे, और आप उनको टूल सप्लाई करें, बिल्कुल हो सकता है ये काम। तो मेरा मकसद ये था कि जकरबर्ग और ये जितनी सक्सेसफुल बने ये अपने अपने उससे बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जियोग्राफिकली आप दूसरों को देखें ही ना। अगर वो केस आपके पास पाकिस्तान में आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको मसले बता दिए हमारे कल्चर के, तो वो तो कभी भी इतने रिस्क नहीं। एक तो वो बेचारा वीआई हो गया और फिर घर वाले उसको, आपको लगता है रिस्क लेने देंगे बिजनेस का? वो कहेंगे पैसे डुबा दोगे, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर सकता है मेरे हिसाब से। रियाई मैंने मैं तो काम कर रहा हूँ ना रियाई के साथ, दे आर ब्रिलियंट, लेकिन घर वालों को यकीन दिलाना और इन्वेस्ट करना ये आसान बात तो नहीं है तला कि वो रियाई बहुत अच्छा काम कर ले। तो पॉइंट पॉइंट ये है कि वो इस कल्चर में ही है आपकी, यहाँ वो अपने घर वालों पर किसी को ट्रस्ट नहीं करते पैसे उस पर करने के लिए, तो वो अपने रियाई को भी कैसे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं भाई ये कैसे करेगा, हमारे पैसे डुबा देगा ये। तो पॉइंट ये कि अपने हीरोज आप। भाई, आज आज सुबह की वर्कशॉप में भी यही जिक्र हो रहा था, तो उसमें वीआई की मैंने एग्जांपल मांगी थी खास तौर पे कि फ्रीलांसिंग में या वेबसाइट डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में जो गौरव कुमार का सब्जेक्ट था, तो उसने कुछ एग्जांपल दी कि लोग जो हैं वो पहले हजारों में और अब लाखों में कमा रहे हैं। जाहिर है कि उनका शौक था और वो वीआई की ही मैंने एग्जाम्पल ली थी। बस मसला हमारी यहाँ अपॉर्चुनिटी का है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो डिसीजन मेकर हैं। आई थिंक जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करना या डिसीजन मेकिंग, तो हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अगर लॉस हो तो हमें हो, और जब एक चीज प्रॉपर सीख कर और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ की जाएगी तो इंशाल्लाह उसमें नियत साफ और मंजिल आसान वाली बात भी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन तला, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि जिस कपल की आप यूएस में बात करें ना, दे आर रोल मॉडल्स फॉर मी, और उन्होंने कैंडल, आप जो भी काम बता रहे हैं ये तो हम भी कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल्स की तो मैं ऑलरेडी सलमान साहब से दुनिया की बात पे बोल रहा हूँ कि मैं जहां भी गया हूँ कैंडल्स की तो बेइंतहा डिमांड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देर आर मेनी सच थिंग्स। मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉपर, कोई एक्सेसिबिलिटी का, वो जो वीआई की टूल्स हमें चाहिए होते हैं एक्सेसिबल टूल्स, उसका कोई कोई मुझे तो कोई प्लेटफॉर्म नजर ही नहीं है पाकिस्तान में अभी तक ढंग का जो ये बेच रहा हो, कोई वेबसाइट हो कुछ और हो। यहाँ पे तैमूर भाई ये बात काट रहा हूँ आपकी, आपने मिस असमा ने हौसला अफजाई की थी इसलिए कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन अभी स्टॉल्स पे कैंडल की, जबकि आपने कहा था सलमान भाई फ्रेगरेंस पे काम कर रहे हैं, वो तो खैर कर रहे हैं शब्बीर रोड में, लेकिन इस पोजीशन में हमने बगैर फ्रेगरेंस के लगाई और ठीक ठाक कैंडल्स भी की है हमारी और लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। तो फिर वो आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी यार, कंपटीशन बहुत है और कैंडल बहुत चल रही है। तो अब बहुत अच्छा लगा बहरहाल के उसमें, और असिस्टिव टूल का भी आप सही कह रहे हैं, ये दो प्रोजेक्ट जो हैं तैमूर भाई के सर जाते हैं। अच्छी तरह याद है 2019 से तैमूर भाई कह रहे थे कि असिस्टिव टूल पे काम करें, तो फिर हमने बाकायदा इस पे प्लानिंग करके तकरीबन 6 महीने की प्लानिंग के बाद
तो इसकी प्लानिंग में सारा जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि इसमें तैमूर भाई का हाथ है, कि इन्होंने ये असिस्टिव टूल का जो प्रोजेक्ट शुरू करवाया है, लोग कर रहे थे लेकिन उसको बेहसन तरीके से नहीं कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, तो वो प्रॉपर तरीका यहाँ से फिर हुआ और एक एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैंसी कैंडल भी आने वाले वक्त में इसी मुकाम पे जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तला ये चीज बिल्कुल जिस तरह उन्होंने डिस्कस किया, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और आपस में लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें उनकी क्या नीड्स है, उस चीज को बनाए, उस प्रोडक्ट को बनाए जो लोगों की नीड है। तो देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं। आप आराम से, मैं नहीं समझता आज के दौर में ई कॉमर्स स्टोर बनाना मुश्किल काम है, मैं नहीं समझता आज के दौर में सेलिंग मुश्किल है। और अगेन वही घूम फिर के बात आती है कम्युनिकेशन, तो अगर आपको स्टोरी बनाना है तो आपको कम्युनिकेटर होना है और स्किल चाहिए। तो भाई ये दो चीजों का आप दामन थाम लें, बी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन ए टेक स्किल। ये दो चीजें साथ साथ चलाएं और मेक श्योर यू फॉलो राइट पीपल, यू फाइंड गुड मेंटर्स एंड यू विल फाइंड अ वे, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं। और देखें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो एंड तक मरते दम तक चलेगी, तो कभी भी एवोल्यूशन नहीं छोड़ेगा कि मैं रीच कर चुका हूँ, यहाँ तक मैंने अचीव कर लिया। दुनिया हर 3 महीने में, हर बल्कि हर रोज दुनिया चेंज होगी, तो अपने आप को अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें। और जहां आपको लगना शुरू हो जाए ना कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, ये चेंज ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लर्न कर रहे हैं। देयर आर टू वेज, जब आपको नजर आना शुरू हो ना यार मुझे तो ये आता नहीं है, मैंने तो कभी ये किया नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, और आप ये करने को कोशिश कर रहे हैं, तो आप 10 में से 9 से बेहतर हो चुके हैं, बिकॉज बाकी 9 वो उसमें घुसेंगे ही नहीं, बिकॉज उनको आता ही नहीं है और वो इतनी हिम्मत ही नहीं है उनमें कि वो सीखें। अगर आप उस चीज को एज अ चैलेंज लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं नई चीज को, तो यू आर बेटर देन 90% पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर स्केप्टिकल टू चेंज विच इज नॉर्मल, लेकिन आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, यहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है। तो इस खौफ से कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता, इससे बाहर आए और सीखने की कोशिश करें चीजें। अल्लाह ने मुशक्कत और सीख के लिए ही हमें पैदा किया। थैंक यू एवरीबॉडी, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात रहेगी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो कोई थोड़ा सा ब्रीफ करेगा इस सेक्शन के हवाले से? वालेकुम सलाम सर, सेशन कंप्लीट हो चुका है और जो स्पीकर थे वो भी जा चुके हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अभी तक के, मैनेजमेंट जो भी इस चीज़ को देख लिए तो कम से कम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें। ओके, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग पे मैं देख लूंगा, बल गई तो।